हटे ना हटा ना पीछे हटे ना जाने दे। अरे आप हटो नहीं इधर पीछे के है जी अरे महाराज पीछे दे रहे हैं मर रहे हैं सुनील कुमार अमर रहे हैं देखिए उस देश के लाल के लिए मैं जितना भी कहूँ शायद शब्द कम पड़ेगा, क्योंकि जिसके सुरक्षा में पूरा हिंदुस्तान रहता है वो मुझे लगता है कि इस धरती का सबसे बड़ा आदमी थे, और वो आज भी हमारे मन में है, हमारे दिल में है, और जब तक धरती रहेगी शायद उनके शहादत को हम नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनका शहादत हमारे वजह से हुआ है, हमारे रक्षा करते हुए हुआ है। तो मैं इस परिवार को उनकी तरह प्यार तो नहीं दे सकता, वो जो मोहब्बत इनके परिवार के लिए था वो तो मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, कि इस परिवार को जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खेसारी लाल यादव हमेशा इस परिवार के लिए खड़ा रहूँगा। कि उसकी नीति जितनी भी है, एक भाई खो दिया हमने और कितने सारे भाई हमने खोया है सिर्फ लोगों की नीति की वजह से ही, तो कहीं ना कहीं ये नीति अच्छा तो नहीं हो सकता जो उसकी नीति है, क्योंकि एक परिवार का बेटा चला गया है उसकी नीति की वजह से, तो मुझे लगता है कि ये नीति बिल्कुल सक्रिय नहीं है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। अच्छा भी आँख दिखाना शुरू कर देता है, तो उसको सपोर्ट है कहीं ना कहीं चाइना से, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि चाइना को कमज़ोर करने का एक ही रास्ता है कि उसके सामान हम ना खरीदें, उससे व्यापार बंद कर दें, उसकी चीज़ों को हम अहमियत ना दें, अपने देश की चीज़ों की अहमियत दें, वोकल लोकल वाली काम करें कि हम लोकल चीज़ों को खरीदें, अपना एक राशन दुकान वाला का ही अगर हम बढ़ाएंगे अपने घर का होगा तो शायद वो कल होलसेलर हो जाएगा, होलसेलर से वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अपने लोगों का हेल्प करना, आज जो घटना सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जो हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे बिहार के लोग, हम अपने बिहार के इस भाषा को गंदा बोलते हैं कि हमारे अश्लील है, हम खुद ही बोलते हैं जी हाँ अश्लील है, ये है वैसा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने बेटे को प्यार देकर अगर उतना बड़ा करें तो शाहरुख खान के पास और सलमान खान के पास खड़ा होने में खेसारी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर हमारी लोग हमें वो प्यार दे देते तो हम कहीं ना कहीं उससे बहुत ऊपर हो जाएंगे। उनका सिनेमा देखें या ना देखें तो मैं नहीं कहूँगा किसी को कि आप मत देखिए, बट अगर आप अपने बच्चों को प्यार देंगे तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम उसको उसके सामान को ना खरीदें, उसको अभी बहिष्कार करें, तो शायद हमें लगता है कि उससे ताकतवर हम हैं और हमारे सेना पीछे नहीं हटी है। अगर 10 हमारे यहाँ से गए हैं तो कम से कम 100 उधर से गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइना के जितने भी सामान हैं, चाइना से व्यापार है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और चाइना की मैं सारे अपने देशवासियों से यही कहूँगा कि चाइना की जो भी सामान है हमें नहीं ख़रीदना चाहिए, उसके व्यापार को नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर हम बढ़ाएंगे तो मजबूत होगा, इसलिए हमें वोकल और लोकल की बातें करनी चाहिए। वोकल लोकल में अगर हम रहें, अपने लोगों को रक्षा करें, अपने लोगों का सामान खरीदें, अपने इंडिया का सामान खरीदें, तो शायद ये चीज़ें हमेशा हमारे मजबूती में आएगी और हमारे पास। देखिए आज करण जौहर और सलमान खान से बड़ी चीज़ें हैं हमारे बीच में, ये देश की बातें हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बातें नहीं है। सलमान खान पर्दे के हीरो हो सकते हैं, खेसारी पर्दे के हीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो भाई का शहादत हुआ है वो पूरे देश का हीरो था। तो मैं छोटे हीरो की बातें नहीं करूँगा, आज ऐसे हीरो की बात करूँगा जिसके सुरक्षा में आज पूरा हिंदुस्तान रहता था, और हम मुझे लगता है कि पर्दे से बहुत बड़ा हीरो मेरा भाई था जो आज हमारे बीच नहीं है, और उसकी शहादत को हम शायद नहीं भूल पाएंगे पूरे जीवन। और उस माँ को मैं बेटा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बेटा होने के नाते कोशिश करूँगा जिस परिवार को हमेशा एक बेटे की तरह सम्मान दूँ और बेटे की तरह अपने हर उस खुशी के साथ रखूँ, हर उस दुख के साथ रखूँ।